वेलकम टू लेसन नंबर टू। ये जो कोर्स है इसको मैंने ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो, तभी भी आप फेसबुक एड्स को सही से समझ सकें। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में जो भी बातें वो स्क्रैच से करूँगा ताकि जो एकदम बिगिनर है उसे भी सारी चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि क्यों आपको फेसबुक एड्स पर फोकस करना चाहिए। वाई फेसबुक एड्स? सी, अभी आप देखोगे तो फेसबुक के, तो पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक के पास कौन कौन सी ऐप्स हैं। सो सबसे पहले फेसबुक, जो आई एम श्योर आप सब यूज़ करते हो। दूसरा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप अगेन फेसबुक का ही है। तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा मैसेंजर। ये चार मेजर ऐप्स हैं जो कि फेसबुक कंट्रोल करता है। इसके अलावा और बड़े सारे ऐप्स हैं बट ये चार मेजर ऐप्स हैं। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐप है जो आप यूज़ नहीं करते। आई एम श्योर आप सब इन ऐप्स को यूज़ करते हो, राइट। अब एक बात बताओ, आपका जो भी कस्टमर है, अगर आपका कोई बिजनेस है, या सपोज करो आपका बिजनेस नहीं है, आप किसी और के लिए ऐड रन कर रहे हो, किसी और के बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो क्या जो आपका कस्टमर है क्या वो इन चारों ऐप्स को यूज़ कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? आई एम श्योर कर रहा होगा, है ना। सो अगर वो इन चारों ऐप्स को यूज़ कर रहा है और आपको अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेचनी है, तो आप उस कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हो? तो आप उस कस्टमर तक पहुंच सकते हो इन चारों ऐप्स पे अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को प्रमोट करके, ठीक है। अभी देखोगे आप तो फेसबुक के इंडिया में कुछ 270 मिलियन यूजर्स इंडिया में फेसबुक के, है ना, और जो मेजॉरिटी यूजर्स हैं वो हैं 18 to 24, ठीक है। मेजॉरिटी यूजर है 18 to 24, और आपको ही पता है जब से जियो आया है तब से इंटरनेट यूजर्स कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं इंडिया में, है ना, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं इंडिया में। सो धीरे धीरे क्या होगा कि मेजर जो है हमारे देश की पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। और जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑनलाइन हो जाएगी तो उसमें से जो मेजॉरिटी लोग होंगे वो ये चारों ऐप्स क्या करेंगे, यूज़, ठीक है। सो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फेसबुक पे अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने का, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने का, अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का, ताकि आप इन्हें फ्यूचर में प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर सको, ठीक है। अगर आप जो इस कोर्स में सीखने वाले हो, जो आगे मैं स्ट्रेटजीज आपको समझाऊंगा, उन स्ट्रेटजीज का यूज़ करके आप अपना ब्रांड बना सकते हो फेसबुक के थ्रू, और उसके बाद चाहे आपको अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने हो, चाहे आपको अफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हो, आपको और भी कुछ करना हो प्रमोट करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, देन आप वो कर सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम चल रहा है और नेक्स्ट 2 से 3 साल जो है, ये टाइम है आपके पास अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने का ऑनलाइन। अगर इन 2 सालों को आपने मिस कर दिया तो आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। जो एड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एड्स कितनी एक्सपेंसिव होंगी। तो फ्यूचर में आपको ब्रांड एस्टेब्लिश करने में बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट टाइम एंड आई एम श्योर कि आगे आप जो 98 वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ वो अगर आप सही से देखोगे सारी वीडियोज़, आप मास्टर बनोगे फेसबुक ऐड के और किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सोगे, ठीक है। सो इस वीडियो में जस्ट हमने सीखा कि हमें फेसबुक ऐड पे क्यों फोकस करना चाहिए, ठीक है। कल की वीडियो में मैं कुछ और आपको कंटेंट बना के दूंगा, बहुत ही यूजफुल कंटेंट होगा जो आपके लिए, ठीक है जी। सो मेक श्योर कि कल की वीडियो पे आप नजर रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।